हेलो एवरीवन, जेई एडवांस इलस्ट्रेशन की इस सीरीज़ में जो आज का क्वेश्चन है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डबल सिग्मा पे। ठीक है, डबल सिग्मा भी है और ITF का फंक्शन भी है। आइए देखते हैं। सिग्मा बी 1 से 10, सिग्मा ए 1 से 10, टैन इनवर्स ऑफ ए बाय बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शंस हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 50 पाई, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 100 पाई, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 75 पाई एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 25 पाई। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली डू एंड सी इफ यू कैन अराइव एट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है और सही आंसर क्या होगा। उसको देखने से पहले मैं आपको हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। वैसे तो आपको आता ही है बट एक बार रिविजन हो जाएगी तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई का फॉर्मूला हमें पता है कि टैन वर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy होता है जब xy लेस देन 1 हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं। मेरे को वो केस नहीं करना है लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 का। मैं वो देख रहा हूँ कि अगर xy इक्वल टू 1 हुआ तो ये आपके दिमाग में बात जा रही है क्या कि ये क्वांटिटी आपको पाई बाय 2 आंसर दे देगा। ठीक है, अगर xy 1 हुआ तो टैन वर्स एक्स प्लस टैन वर्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगी। इसका हम यूज़ करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली सॉल्विंग द डबल सिग्मा। ठीक है, तो डबल सिग्मा को सॉल्व करते सबसे पहले मैं अंदर वाले सिग्मा को ओपन करता हूँ। बाहर वाला सिग्मा वैसे ही रखते हैं, सिग्मा बी 1 से 10, इसको ऐसे ही रखते हैं। और अंदर वाले में अगर मैं ए को 1 डालता हूँ तो इट विल गिव यू टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय बी, देन यू विल हैव टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय बी, देन यू विल हैव टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय बी एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, टैन इनवर्स ऑफ 10 बाय बी तक। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जब आप b की वैल्यू डालेंगे तो b की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हर टर्म पे लगेगी, मतलब इस पे सिग्मा, इस पे सिग्मा, इस पे सिग्मा, हर एक टर्म पे, मतलब 10 बार सिग्मा लगेगा, 100 टर्म्स बन जाएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि 10 तो ये पहले ही है। 10 बार सिग्मा लगेगा तो 10 into 10 100 टर्म्स आने वाली। तो इस पे जब सिग्मा लगेगा तो ऐसे दिखेगा, देखिए टैन इनवर्स ऑफ, पहले बी को 1 डाला, फिर टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 आ गया, फिर टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 आ जाएगा, ऐसे करते करते टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 10 बन जाएगा, राइट। फिर जब इस पे लगाएंगे सिग्मा तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 1, टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 2, फिर उसके बाद टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 3 एंड सो ऑन अप टू टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 10। फिर थर्ड वाले पे चलेंगे तो टैन इनवर्स ऑफ, बस यहाँ से पैटर्न दिख जाना आपको, 3 बाय 1, टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 2, टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 3 एंड सो ऑन अप टू टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 10 एंड ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 10 बाय 1, फिर टैन इनवर्स ऑफ 10 बाय 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी सारी कंटिन्यूशन आएगी और ये नीचे की तरफ भी कंटिन्यू होगा यहाँ तक, टैन इनवर्स ऑफ 10 बाय 10। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो डायगनल वाली टर्म्स बन रही है, ये वाली, मैं ये लेज़र ले लेता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये सारे टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 बन रहे हैं ना, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय 1, टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 2, टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 3, ये सारे टैन इनवर्स 1 बन गए। ऐसे कितने होंगे, ऐसे 10 होंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा बेसिकली 10 टाइम्स तो टैन इनवर्स 1 आ गया। ये तो आना ही है क्योंकि 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, सारे के सारे 1 ही आ गए। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या टैन वर्स हाफ और टैन वर्स 2 बाय 1, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 बन जाएगा ना, एक्स इंटू वाई इज गोइंग टू बी 1 एंड जब भी एक्स इंटू वाई 1 होता तो आंसर कितना मिलता, पाई बाय 2 मिलता। यानी कि सबका ही सम करना है, इन 100 टर्म्स का सम करना में, तो जब इसका सम इसके साथ किया गया होगा तो क्या आपको लग रहा है कि आपके पास पाई बाय 2 मिल गया होगा। 1 बाय 3 का इसके साथ किया होगा तो अगेन पाई बाय 2 मिल गया होगा। 2 बाय 3 को 3 बाय 2 के साथ किया होगा तो अगेन पाई बाय 2 मिल गया होगा। बेसिकली यानी कि इस डायगनल के अबाउट जो भी कॉरस्पॉन्डिंग आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है ना, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स समझते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इधर ये A12 है तो ये A21 है, ये A13 है तो ये A31 है, तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सम है वो आपको हमेशा पाई बाय 2 दे रहा है।
अब ये कितने होंगे पेयर्स ऐसा हमें देखना है। तो देखो टोटल हमारे पास 100 100 पेयर्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 100 नंबर है, ठीक है, पेयर्स नहीं, टोटल हमारे पास क्या है 100 नंबर है। अब 100 में से अगर मैं 10 डायगनल वाले डाल देता हूँ तो मेरे पास 90 बचते हैं, तो उनके अगर मैं पेयर्स करूँगा तो मेरे पास 45 पेयर्स आ जाएंगे, यानी कि 45 बार मेरे को पाई बाय 2 मिला होगा। तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू पाई बाय 4 एंड 45 पाई बाय 2। ये 10 पाई बाय 4 इज 5 पाई बाय 2, तो दैट इज बेसिकली 50 पाई बाय 2। तो दैट शुड गिव यू 25 पाई एज द आंसर, विच हेयर इट वॉज डी ऑप्शन। सो दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट टर्म। यहाँ पे डबल सिग्मा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ रहा है। डबल सिग्मा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों की बराबर वेटेज मैं कहूँगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको देखने को मिली। ऐसे और क्वेश्चन के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आपके जो भी चैप्टर्स होंगे उनके एडवांस इलस्ट्रेशन तो आप देख ही सकते हैं, एटलीस्ट दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे अन अकेडमी पे आने वाले हैं तो आपके लिए 20% ऑफ का ऑफर जो है वो अन अकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है। तो 20% ऑफ ऑन ऑल IITJEE सब्सक्रिप्शन इज बीइंग गिवन। IITJEE 2025, IITJEE 2024 सब पे आपको 20% फ्लैट ऑफ मिल रहा है, जो कि जुलाई 15 तक वैलिड है। इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। और मेरा रेफरल कोड VL सर है। जो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको एडिशनली 15% ऑफ और मिल रहा है, ठीक है। 20% तो मिल ही रहा है प्लस एडिशनल 15% ऑफ मिल रहा है। तो मतलब अगर आप JEE 2024 का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 54079 का है, और ये 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक का 51833 का है ना। JEE 2025 का 24 मंथ का 38399 का है, और ये 76091 का। ये आपको ऑफर अनअकैडमी की तरफ से दिया जा रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं और अपना IITJEE सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। मेरे कई सारे बैचेस हैं जो आ रहे हैं, जैसे जेनिथ प्रो बैच है, ये 21 जून को अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आप मेरे रेफरल कोड VL सर के साथ एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा बैच है एलीट प्रो बैच, ये 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, ये ड्रॉपर्स के लिए है। ये 2024 के लास्ट बैच था हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दिस वॉज द लास्ट बैच दैट वॉज देयर। एंड उसके अलावा आपका एक और बैच है, स्पार्क बैच है, जो कि 11th क्लास के लिए है, और उसके बाद एक ड्रीम अचीवर बैच भी है जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ 7 जुलाई को। तो ड्रीम अचीवर बैच, इसमें आप 11th के जो बच्चे हैं 2025 के, वो हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो इस ऑफर को अवेल करिए जल्द से जल्द, और अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो डेली रेगुलरली स्पेशल क्लासेस हो रही हैं जो कि फ्री हैं, आप उनमें जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी रिजॉल्व करा सकते हैं और हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे डेली प्रैक्टिस जो है वो चलती रह रही है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।